Assalamualaikum, welcome to my channel Arsiam's Cuisine. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान और झटपट है, जिसका नाम है हम लोग घर पर बनाएंगे क्लब सैंडविचेस। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं वो आप लोगों के सामने हैं। चले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले है मेरे पास मुर्गी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन। Assalamualaikum, welcome to my channel Arsiam's Cuisine. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है होममेड क्लब सैंडविचेस। जी, तो ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन, ये है मेरे पास चिकन। मैंने ली थी हाफ किलो जो है वो लिया था इसके अंदर चिकन, उसको मैंने बॉयल किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने बॉयल कैसे किया था। बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन को ले लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ पानी डाला, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डाली, कोई नमक मसाले कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसको बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको ब्रिक ब्रिक पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ इस तरह छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो चलें अब ये हमारी मुर्गी जो है वो अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे, जो नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पर ली थी वो मेरे पास है बॉयल्ड एग। ये अभी थोड़े मोटे लग रहे हैं लेकिन मैं इसको और जो है वो चम्मच की मदद से और जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद मैंने जो ये ली है, ये है मेरे पास काली मिर्च, ये है मेरे पास एक या हाफ टेबल स्पून जो है वो है मेरे पास। अगर छोटा चम्मच लेंगे आप लोग वो पूरा होगा, लेकिन अगर बड़ा चम्मच लेंगे तो वो जो है वो हाफ है। तो ये हिसाब मैंने रखा था। और उसके बाद मैंने नमक लिया है, नमक है मेरे पास एक चम्मच। उसके बाद मैंने ली थी जो अपनी वेजिटेबल्स, उसके अंदर है मेरे पास ये गाजर। गाजर को मैंने बहुत बारीक बारीक पीसेस के अंदर चॉप कर लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको चॉप कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए ये शिमला मिर्च, ये है मेरे पास बंद गोभी। बंद गोभी गोभी को मैंने जो है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया ऐसे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने ली हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ जाएगी वो इसकी मिक्सिंग है। मिक्सिंग करते वक्त जो हम लोग चीज़ डालेंगे वो मैं आप लोगों को आगे फर्दर बताती हूँ। तो चले हम लोग चलते हैं अब इसको बनाने की तरफ कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। जी, तो यहाँ पर मुझे जितनी चिकन चाहिए था उतना मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें जो है वो मैं ऐड करूँगी, ऐड करते हैं। तो चले सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डालते हैं बंद गोभी। बंद गोभी में इसके जो है वो मैंने एक छोटा फूल लिया था बंद गोभी का, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसके अंदर हाफ जो है वो इसको डाल दूंगी, हाफ प्लेट डाल दूंगी इसके अंदर। मतलब जो मैंने छोटा सा फूल लिया था उसको हाफ डाला है इसके अंदर। एक टाइम के लिए ये इतना काफ़ी है। आप लोग कटिंग करके इसका मिक्सचर बनाकर रख भी सकते हैं, जब आप लोगों को दिल जाए आप लोग निकाल कर इसको ब्रेड पर लगाएं और खा सकते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पर हाफ ले ली ही। जी, तो अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ एग्स। मैंने इसका साइज़ इतना ही रखा है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत साइज़ बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये खाने के अंदर जो है वो अच्छा महसूस होगा। चले मैंने ये जो है वो एक एग लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉयल करके चॉप कर लिया। अब जो है मैं इसको साफ करके अच्छे से तमाम को जो है इसके अंदर डाल दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं इसके अंदर शामिल करूंगी वो मैं डालूंगी इसके अंदर शिमला मिर्च। ये भी मेरे पास हाफ जाएंगी क्योंकि मेरा मिक्सर इतना ही है, तो मैंने हाफ यहाँ पर यूज कर लिया। जी, तो इसके बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर ही गाजर। गाजर भी मैं यहाँ पर हाफ ही यूज करूंगी क्योंकि मेरा मिक्सर इतना ही है। जी, तो अब मैंने यहाँ पर ये भी यूज़ कर ली। इसके बाद जो मेरे पास चीज़ थी काली मिर्च, काली मिर्च मैं इसके अंदर जो लिया था मैंने क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बता दी, वो मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ नमक। नमक की भी जो क्वांटिटी थी वही मैंने ली है, इससे ज़्यादा या कम मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो चलें अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग जिस चीज़ के साथ इसका मिक्सचर बनाएंगे जिससे हमारा टेस्ट जो है वो ऐसे फील होगा जैसे हम लोग बाजार से लेकर आते हैं, तो वो जो है वो इंग्रेडिएंट ये है कि मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ मायोनीज। जी, तो यहाँ पर अब जो मैंने मायोनीज ऐड की है वो मैंने यहाँ पर ली है 3 से 4 टेबल स्पून। 3 से 4 टेबल स्पून हमारे इस मिक्सचर के लिए काफ़ी होगी। अगर आप लोग मायोनीज ज़्यादा या कम करना चाहें वो आप लोग के अपने टेस्ट पर है, ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम लेना चाहें कम भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और तो चले अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ, इसी ये मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम लोग चलेंगे फिर इसको अगले स्टेप की तरफ। मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। के जी, तो एक मेन चीज़ मैंने यहाँ पर ये यूज़ की है कि मैं यहाँ पर थोड़े सी जो है वो चिली गार्लिक सॉस ले लूँगी ताकि हमारा जायका इससे अच्छा आ जाए।
ये वाली मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज की है नेशनल की। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिससे आप लोगों का टेस्ट अच्छा है। अगर आप लोगों ने करनी है तो कर ले, वरना ये ऑप्शनल चीज है, नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, ये ऑप्शनल चीज है। लेकिन मैंने यहाँ पर टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको यूज कर लिया। अगर आप लोग करेंगे तो आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसको कर रहे हैं मिक्स जी। तो गाइस हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे, मैंने दिखाया है कि जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी सिर्फ वही चीज़ें, इसके अलावा मैंने इजाफी चीज़ कोई भी यूज़ नहीं की। ये देख सकते हैं कितना क्रीमी सा मिक्सचर बना है। तो अब हम लोग इसको डालेंगे अपने ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और फिर हम लोग जो है वो अगले स्टेप्स करेंगे। तो चले अब मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ ब्रेड जी। तो अब मैंने यहाँ पर जो है एक बोर्ड ले लिया है जिस पर हम लोग रखेंगे अपनी ब्रेड को और फिर हम लोग जो है इसके ऊपर मिक्सचर को लगाएंगे, फिर हम लोग करेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के चार पीसेस ले लिए हैं। अगर आप लोग टू लेयर्स वाला बनाकर खाना चाहें वो भी आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग थ्री लेयर्स वाला बनाना चाहें तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले टू लेयर्स वाला बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लूंगी दो स्लाइसेस इसके ऊपर, इसमें से एक को उठाऊंगी, इसके अंदर लगाऊंगी मैं अपने मिक्सचर को जितना हमें चाहिए होगा कि हमारी ब्रेड पर जो है वो अच्छे से मिक्सचर जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो चले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इस मिक्सचर को, फिर हम लोग इसको जो है स्पून की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर अगली ब्रेड पर भी इसी तरह करेंगे अगर आप लोगों को थ्री लेयर्स वाला चाहिए। चलिए पहले इसको हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं जी। तो ऐसे ही मैंने सब पूरी पर ब्रेड पर जो स्प्रेड कर लिया, साइड्स पर हम लोग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, साइड्स पर जो है फिर गिरेगा तो वो अच्छा फील नहीं होगा, इस वजह से मैंने बस दरमियान में लगाया है। लेकिन साइड पे भी है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाएंगे कि जिससे गिरे और फिर जो है वो गंदा सा महसूस हो। तो चलें ये मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया। अब मैं रखूँगी इसके ऊपर दूसरी ब्रेड को। ये हमारी हो गई, ये टू लेयर्स वाला सैंडविच हमारा तैयार हो गया है। हम लोग अगर ये ऐसे ही टू लेयर्स वाला होगा, अगर आप लोग कटिंग करना चाहें तो दरमियान से कटिंग करके इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्री लेयर्स अगर बनाना है तो मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग फिर जो हमने सेकंड ब्रेड को उठाया था इसी के ऊपर हम लोग लगाएंगे और मिक्सचर, ताकि हम लोग अपनी थ्री लेयर्स वाला जो है वो सैंडविच बना सकें। इसके ऊपर भी हम लोग ऐसे ही सारे मिक्सचर को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। फिर हम लोग जो है वो इसके ऊपर भी दूसरी ब्रेड को रखेंगे जी। तो सेकंड लेयर के ऊपर भी जो है वो मैंने अच्छे से इस मिक्सचर की कोटिंग कर ली थी। अब इसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड के पीस को रख दिया। अब हम लोग इसको जो है वो प्रेस करके इसकी कटिंग करेंगे अच्छे से और फिर हम लोग करेंगे इसको एंजॉय। तो चले मैं अब आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। जी तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो साइड से कटिंग कर लिया है। अब आप लोग इतना पीस चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अगर आप लोग एक और कट लगाना चाहें तो दरमियान से ऐसे भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी तो ऐसे हर तरह से मैंने कटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को इसका एक पीस उठाकर दिखा देती हूँ। जी तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फील हो रहा है हर तरफ से, अच्छे से जो है वो इसके अंदर मैंने मिक्सचर भी डाला हुआ था, ये नहीं कि अंदर से कहीं से खाली था और कहीं से जो है वो भरा हुआ था, हर तरह से ये जो है वो बहुत अच्छे से कोट हो गया है। तो चलिए इसी तरह मैं बाकियों को बनाती हूँ, फिर हम लोग करते हैं इसको अच्छे से डिश आउट जी। तो गाइस मैंने सारी ब्रेड्स के जो है वो बना लिए हैं अब सैंडविचेस। अब आप देख सकते हैं अंदर ये वाली मैंने थ्री लेयर्स वाले बनाए हैं, ये है मेरे पास टू लेयर्स वाला सैंडविच, ये भी आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, और ये थ्री लेयर्स वाला तो बहुत ही कमाल लग रहा है। तो जी चलें बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इस सलाद को जो हमने बनाया था इसका मिक्सचर, इसको हम एज अ सलाद भी खा सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने इसलिए यहाँ पर दिखा दिया कि आप लोग इसको साथ जो है वो सलाद के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी तो यही थी मेरी बस आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बनाकर दें। ये बहुत ही आसान है, इसका फ़ायदा ये आता है कि आप लोग इसके मिक्सचर को बनाकर फ्रिज में रख लें और फटाफट लाएँ और निकाल कर ब्रेड के ऊपर लगाएं और बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर दे दें, तो ये भी आप लोगों की मुश्किल आसान हो गई। तो चलें मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से, आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।